दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद जय भारत। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं BTS के न्यूज चैनल में। मैं हूं अकील खान। दोस्तों कोरोना वायरस के लॉकडाउन के तहत आपके सामने बहुत सारी ऐसी घटनाएं आई होंगी जिसमें भारत के मुसलमानों ने अपने हिंदू भारतीय भाइयों की मदद की। इसके अलावा कई जगहों पर भारतीय मुसलमानों ने हिंदू भाइयों की शव यात्रा में भी शामिल हुए और उनका अंतिम संस्कार भी कराया। इसी तरीके की एक घटना हमारे सामने आई जिसको हमने सोचा कि इस पर एक अच्छी सी स्टोरी कवर करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। हुआ कुछ ऐसा कि उन्नाव जिले के सखीपुर निवासी विक्रम कनौजिया, जो कि ओमान की एक लॉन्ड्री में काम करते हैं, उनका ओमान में देहांत हो गया। जैसे ही इस देहांत की खबर उनके परिवार वालों को पता चली तो उनके परिवार के कुछ लोगों ने उन्नाव के मुस्लिम लीग के जिला अध्यक्ष मोहम्मद अहमद से संपर्क किया। मोहम्मद अहमद साहब ने देर न करते हुए तुरंत मुस्लिम लीग के केरला के अध्यक्ष मिस्टर पी के कुन्हालीकुट्टी से संपर्क किया। उन्होंने ओमान के दूतावास में संपर्क कर मिस्टर विक्रम कनौजिया जी के शव को दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचाया। दिल्ली एयरपोर्ट शव आने के बाद मुस्लिम अहमद और उनके साथियों ने उस शव को एयरपोर्ट से बाई एम्बुलेंस सखीपुर लाने के लिए जो भी खर्च था, तकरीबन खर्च 18,000 रुपए का नगद आया, वो उन्होंने आपस में कंट्रीब्यूट करके उस एम्बुलेंस के ड्राइवर को दिया। इसके बाद मोहम्मद अहमद और उनके साथी सखीपुर निवासी विक्रम कनौजिया जी के घर पे पहुंचे और उनके परिवार वालों से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान ये पता चला कि परिवार वालों के पास अंतिम संस्कार करने के भी पैसे नहीं है। इसके बाद तुरंत उनके साथियों ने मिलकर 5,000 रुपए नगद उनके परिवार वालों को दिए ताकि अंतिम संस्कार किया जा सके। तो दोस्तों इस तरीके की कई सारी घटनाएं कोरोना वायरस के डाउन होने के बाद देश के अलग अलग राज्यों में हुई है। ये एक मिसाल है उन लोगों के सामने जो कि कोरोना वायरस जैसी बड़ी महामारी जिसने पूरे दुनिया को बर्बाद करके रखा हुआ है, पूरी दुनिया में अफरा तफरी फैली हुई है, लेकिन भारतीय कुछ ऐसे हैं जो मीडिया में हर वक्त हिंदू मुसलमान करते हैं। हो तो ये क्या है कि उन्होंने कोरोना वायरस को भी हिंदू और मुसलमान में बांट दिया है। ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे की और गंगा जमनी तहजीब की एक बहुत ही अच्छी मिसाल है जो मोहम्मद अहमद और उनके साथियों ने प्रस्तुत की है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार मोहम्मद अहमद ने और उनके साथियों ने विक्रम कनौजिया जी के शव को उनके परिवार वालों तक पहुंचाया, और सिर्फ पहुंचाया ही नहीं बल्कि उनकी मदद की। तो आइए इस स्टोरी के माध्यम से हम उनके साथियों से और मोहम्मद अहमद से आपको परिचित कराते हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। आप इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में पार्टी में क्या है? मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी के जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा नेताजी, आप जो आज के माहौल लॉकडाउन में जहाँ पे जमातियों को लेके इतना ज़्यादा एक देश में खलफसार कोरोना को लेके हुआ है और कई जगह पे हिंदू मुस्लिम भी देखने को मिला है, और उसी को देखते हुए ओमान से आप हिंदू समाज की डेड बॉडी आपने मंगवाई, तो क्या ये क्या मामला, क्या विस्तार से ज़रा बताएं? विस्तार तो ये है, ओमान में इनका इंतकाल हो गया था 20 तारीख को अगली मतलब। क्या नाम क्या है उनका? उनका नाम है जो है आपके कनौजिया जी विक्रम जी। तो उनका इंतकाल हुआ तो घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनकी बीबी के नाम में पासपोर्ट में फ़र्क था इसलिए ओमान से आना संभव नहीं था। वो लोग हाथ पैर छोड़ चुके थे, लाश कोई सवारी नहीं आ सकती थी। इसलिए आप जान रहे थे पूरी दुनिया में इस टाइम महामारी है, बंदी है और वायरस जो फैला हुआ है इसलिए, और सारी फ्लाइटें बंद हैं, तो इसलिए कोई संभव नहीं था। मगर उस औरत ने हमसे संपर्क किया तो हमने अपने सांसद से संपर्क किया। एक हमारा संगठन है KMCC। किस सांसद से? वो मतलब जो है मोहम्मद ईटी बशीर और कुनाली कुत्ती दोनों से, मुस्लिम लीग के सांसद हैं कुनाली कुत्ती और ईटी आपके बशीर साहब, दोनों से संपर्क हमने किया। उसके बाद उन्होंने हमारी बात को माना और उन्होंने पूरी पैरवी की ओमान से यहाँ तक लाश लाने में,
और जिसका इंतकाल हुआ था उसके घर गए तो घर में प्लास्टर नहीं था, बहुत ही गरीब है, और एक उनकी बेटी 14 साल की, एक उससे छोटी है। अब घरेलू हालात बड़े ख़राब थे, तो इसलिए हमारी एक संगठन है KMCC, समझे, केरला मुस्लिम कल्चर सेंटर, तो उसके द्वारा ओमान से पूरी लाश का खर्चा उठाया गया जो कि 2.5 लाख रुपए आया। उसके बाद दिल्ली से यहाँ तक 18,000 रुपये दिया, 5,000 रुपये अंतिम संस्कार के लिए हमने दिया, और ये इसलिए दिया, हमने हिंदू समझ के नहीं दिया, हमने इंसानियत के नाते दिया। जहाँ पर हिंदू मुस्लिम में इतना खाइयाँ लोग पैदा कर रहे हैं, वहीं पर इंसानियत का काम करना चाहिए, के लिए पहले हम मानव हैं। हमारी छोटी सी बात है, हे से बना हिंदू, मीम से बना मुस्लिम, हे मीम बन के हम बने, हम से हिंदुस्तान बना। तो सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ और फिर मैं भारतीय हूँ, दूसरी बात मैं मानव हूँ। मैं मानव के नाते मैंने उनकी पूरी मदद किया, और उन्होंने कहा था भैया ये आ नहीं पाएगी, मगर हमने कहा था हम पूरी कोशिश करेंगे, और हमने पूरी कोशिश की, हम कामयाब हुए। जो कि दिल्ली से लाश लाना यहाँ संभव नहीं है, ओमान से लाश कैसे आ सकती है, आप इससे अंदाज़ा कीजिए। तो ओमान से यहाँ तक घर तक लाश को लाना, जबकि ओमान से घर पर लाश आ गई, जब लाश घर से आपके परियर घाट गई, उसके बाद जब लोग अंतिम संस्कार करके आ रहे थे तो पुलिस ने लाठीचार्ज किए, ओमान से यहाँ तक हम ले आए, और जब घर से परियर घाट गई तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, हमारे पास फोन आया। तो बड़ी दुख की बात है, जो लोग 20 दिन से इंतजार कर रहे हो इंतकाल का, और पुलिस ने उनको लाठीचार्ज किया, तो ये बड़ी दुख की बात है। क्या ये जो कन्हौजिया जी की मौत हुई है, डेथ हुई है, ये मतलब किस बीमारी के तहत हुई है? ये साधारण मौत हुई है, छोटी सी ऐसी छोटी छोटी बीमारियाँ थी, उससे उनकी मौत हो गई थी अचानक। ठीक। अच्छा, ये जो है नेताजी, इस लॉकडाउन में जो महामारी फैली हुई है, तो क्या आप देश को कुछ अपील करना चाहते हैं? देश को अपील ये मतलब जो करना चाहते हैं, लॉकडाउन का पूर्ण तरीके से पालन करें, कि ये बहुत ख़तरनाक महामारी है, जब सुपर पावर अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है, इसलिए नहीं कर पा रहा जो कि मेडिकल लाइन में दुनिया के दूसरे नंबर पर है, फ्रांस नहीं कुछ कर पा रहा है, स्पेन नहीं आपके कर पा रहा, तमाम कंट्रियाँ लोगों ने हाथ अपने खड़े कर दिए हैं, तो भारत में तो इतनी सुविधा भी नहीं है। तो इसलिए हमारी अपील है, लोग घर ही में रहें, घर से बाहर ना आए, ज़रूरत के काम से जाएं, आप मास्क का इस्तेमाल करें, बराबर हाथ धोएं, और एक दूसरे से दूरी बना रखें। ये दूरी नहीं बनाएंगे तो घातक हो जाएगी। इसलिए ये देश के नाम संदेश ही नहीं, हर इंसान का फ़र्ज़ है और ज़रूरी है, एक दूसरे से दूरी बनाएं, बराबर हाथ धोएं, और बराबर घर को भी देखभाल करें, जो भी आपसे सहूलियत हो सकती है, एक दूसरे की मतलब जो कोई आदमी मांस बांट रहा है, कोई आदमी मतलब हाँ तुमने हाथ धोने के लिए कुछ अपने बांट रहा है, सब एक दूसरे से गरीबों की सहायता करें, कि जो गरीब सड़कों पर ज़्यादा आ रहे हैं, आपने देखा होगा बड़े लोग सड़कों पर नहीं आ रहे हैं, जो गरीब है जिनके पास कुछ नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बड़े लोग गरीब की सहायता करें, वो लोग भी घर में रहें।